पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार की सुबह छात्र संघ चुनाव कन्वेंशन के दौरान शिक्षकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद दो छात्र गुटों में जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों छात्र गुटों में आपस में जमकर मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय गेट पर खड़ी कई चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद और एसपी सिटी विनय कुमार ने छात्रों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों छात्र जब नहीं माने तो पुलिस ने उन पर हल्का बल का प्रयोग कर उन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया। कुछ देर बाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक गुट के सदस्य गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। आपको बताते चलें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव आगामी 13 सितंबर को होना था, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में जोरों से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी के तहत मंगलवार को एक छात्र गुट गोरखपुर विश्वविद्यालय के LLB विभाग में चुनाव प्रचार करने पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान इन छात्रों ने LLB के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में विश्वविद्यालय छात्रों का एक गुट बीच बचाव करने लगा। इस दौरान दोनों गुटों के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं विश्वविद्यालय गेट पर खड़ी कई चार पहिया वाहनों को भी छात्रों ने क्षतिग्रस्त किया। एक गुट ने जहां जिलाधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई को कहा, वहीं दूसरा गुट धरने पर बैठ गया। घटना की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। सभी ने इन छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ने का काम किया। वहीं इस पूरे प्रकरण में शिक्षक संघ में काफी नाराजगी है। संघ का कहना है कि छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार काफी निंदनीय है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, गेट पे टोकिए भाई, गेट पे थोड़ी रोक रहे हैं, गेट पे जाओ तुम अभी सवेरे लगभग 10:45 के लगभग सूचना मिली है विधि संकाय में कुछ छात्रों ने, कुछ लोगों ने वहाँ घुस करके एक शिक्षक, दो शिक्षकों के ऊपर शायद हाथ उठाया है
तो उसको ले करके विधि संकाय के जो बच्चे भी थे, छात्र थे, वो प्रतिरोध किए और प्रतिरोध करते हुए जो है उन लोगों को जो थे दौड़ाया, उसी में अफरा तफरी हो गई और फिर दो गुट आपस में बना लिए, आपस में तनाव कर लिए और अभी इस मामले को मैं जांच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और विधिक कार्रवाई करूँगा। नहीं, हम भाई क्यों कहेंगे बच्चों पर लाठी के लिए, जो असामान्य जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पुलिस अपने विवेक से जो है काम लेती है। सारे अधिकारी मौजूद थे, हमारे एसपी सिटी साहब मौजूद थे, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, हमारे कैंट थाना मौजूद थे। तो नियम है कि भाई भीड़ को तितर बितर किया जाए ताकि आपस में जो है झगड़ा न हो, कोई वारदात न हो और लाठी चार्ज की कोई बात नहीं है ना। हाँ, जी बिल्कुल विधिक कार्रवाई करूँगा। अभी अधिष्ठाता विधि संकाय से हमारी बात हुई है और पूरे घटनाक्रम को मैं ले करके संज्ञान में, और वो अभी तहरीर दे रहे हैं हमको, फिर मैं उसको विधिक कार्रवाई के लिए आगे भेजूँगा जो है पुलिस प्रशासन के पास। ऐसी सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय की विधि संकाय में कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया है और एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के साथ कुछ दुर्व्यवहार, मिसबिहेव किया। इसी के आक्रोश में विधि संकाय के लड़के आक्रोशित हो गए और यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव परसों होने जा रहा है, तो तमाम प्रत्याशी, तमाम गुट हैं। विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर एक छात्र संघ के प्रत्याशी की स्टिकर लगी गाड़ी खड़ी थी, कुछ लड़के उसकी तोड़ फोड़ कर रहे, शीशा तोड़ रहे थे और दो तीन गुट आमने सामने थे, जद्दोजहद नारेबाजी कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर कर दिया। स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य। क्या आपसी गुटों का लड़ाई है, झगड़ा है? हाँ, मतलब आपस में ही कुछ तनाव परिलक्षित हुआ था गुटों में।